नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पूर्व मध्य रेल की तरफ से 1 नवंबर से अगली सूचना तक सहरसा सरायगढ़ दरभंगा हरनगर और सोनपुर समस्तीपुर के बीच 3 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन पुनर्बहाल किया जा रहा है, जिसके तहत अब इन पैसेंजर ट्रेन से यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। कोरोना के कारण कई पैसेंजर ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब चूंकि मामलों में कमी आ रही है, ऐसे में एक बार फिर से ट्रेनों को पुनर्बहाल किया जा रहा है, जिसके तहत जिन ट्रेनों को दोबारा से शुरू किया गया है उसमें ट्रेन संख्या 05524 सहरसा सरायगढ़ डेमू पैसेंजर स्पेशल 1 नवंबर से अगली सूचना तक प्रतिदिन सहरसा से 16:45 पर प्रस्थान कर सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए 18:50 पर सरायगढ़ पहुंचेगी। वहीं 05523 सरायगढ़ सहरसा डेमू पैसेंजर स्पेशल 1 नवंबर से अगली सूचना तक प्रतिदिन सरायगढ़ से 7:30 प्रस्थान कर सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए 10:00 सहरसा पहुंचेगी। इसके बाद 05591 दरभंगा हरनगर पैसेंजर स्पेशल 1 नवंबर से अगली सूचना तक प्रतिदिन दरभंगा से 9:35 पर प्रस्थान कर सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए 12:15 पर हरनगर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 05592 हरनगर दरभंगा पैसेंजर स्पेशल 1 नवंबर से अगली सूचना तक प्रतिदिन हरनगर से 15:15 यानी कि 3:15 से प्रस्थान कर सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए 6:20 पर दरभंगा पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 05512 सोनपुर समस्तीपुर पैसेंजर स्पेशल 1 नवंबर से अगली सूचना तक प्रतिदिन सोनपुर से 4:08 पर प्रस्थान कर सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए 8:30 समस्तीपुर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 05511 समस्तीपुर सोनपुर पैसेंजर स्पेशल दिनांक 1 नवंबर से अगली सूचना तक हर दिन समस्तीपुर से 7:30 प्रस्थान कर सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए 11:55 पर सोनपुर पहुंचेगी, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। साथ ही पैसेंजर ट्रेन के चलने से लोगों का खर्चा भी कम होगा। इतना ही नहीं, आवागमन की भी काफी सुविधा होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।